अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू एन अदर व्लॉग। तो पाकिस्तान आकर काफ़ी लेट लेट व्लॉग अपलोड हो रहे हैं क्योंकि ऐसे इतना टाइम नहीं मिल रहा और कि व्लॉग वगैरह वीडियो वगैरह बनाएं। तो बस यहाँ पर जी मैं नाश्ते से स्टार्ट ले रही हूँ और साथ में जी मैंने पराठे बनाए हैं बल वाले। गैस इस टाइम क्योंकि नहीं थी तो बाहर ऑन किया सिलेंडर और उसके ऊपर बना रही थी, साथ में सिंपल सा ऑमलेट और उसके बाद एंड में जो है वो चाय तो मस्ट है। आज मशीन भी लगाई हुई थी साथ और कपड़े भी धुलने थे। नाश्ते के बाद सारे जो है वो कपड़े फिर धुलेंगे और उसके बाद जैसे ही गैस आई है ना तो मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था। ये चिकन में मैंने योगर्ट, लेमन और टिक्का मसाला और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया था। चिकन को मैंने एक तरफ जो है वो पकने के लिए रख दिया है और दूसरी तरफ मैंने पास्ता को बॉईल करने के लिए रखा है, रिंग वाला पास्ता। चिकन हमारी जो है वो रेडी हो चुकी थी। उसके बाद मैंने क्या किया है कि एक डेगची में जल्दी से मैंने ऑयल डाला है, उसमें लहसुन को ब्राउन किया है, साथ में थोड़ी देर प्याज इसमें डाल के मैंने थोड़ी देर चम्मच हिलाया है और उसके बाद बाकी वेजिटेबल्स जो कि मैंने पहले से कट करके फ्रीज़र में रखती थी, बेल पेपर, कैरेट्स एंड कैबेज, ये मैंने ऐड की हैं इसमें। उसके बाद मैंने इसमें नमक और काले मिर्च का पाउडर ऐड किया, साथ में थोड़ा सा ज़ीरा। और उसके बाद चाइनीज़ सॉसेस हो गए, जिस तरह ये सोया सॉस ऐड की है, थोड़ा सा सिरका ऐड करूँगी और इसके बाद थोड़ी सी मैं इसमें ऐड करूँगी ये नेशनल की चिली सॉस। बस ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इनको मैंने मिक्स करना है और चिकन जो कि मैरिनेट होके पक चुकी थी वो भी इसमें मैं ऐड कर दूँगी। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी ना कैचअप ऐड कर दी है और थोड़ा सा इसमें मैंने क्रीम ऐड कर दी क्योंकि मेरे पास पास्ता सॉस अवेलेबल नहीं थी। तो बस सिंपल सा ही पास्ता बनाया और साथ में मेरा पास्ता जो है वो दूसरी साइड पर बॉयल होने के लिए रखा था। बटरफ्लाई वाला पास्ता भी ऐड किया क्योंकि नाबिया जो है वो ये वाला खाती है, तो थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बस जैसे ही ये बॉयल हो जाएगा तो इन दोनों को मैं मिक्स कर दूंगी, दम दे दूंगी, दैट्स इट। ये बॉयल हो चुके हैं। इसी मेरे पास चैदर चीज़ पड़ी हुई थी तो एंड में दम के वक्त मैंने ऊपर स्प्रेड कर दी थी। उसके बाद मैंने कीमा निकाला था और उसमें सारे स्पाइसेस कोफ्तों वाले ऐड करने के बाद कीमे के मैंने बॉल्स बना लिए थे और तो मैंने बर्गर पेटीज़ बना लिए थे कि अगर रात को दिल करेगा तो बर्गर में हम लोग जो है वो फ्राई करके रख देंगे। तो रात को वाकई दिल कर रहा था या शायद माइंड बन गया था कि बर्गर पेटीज़ बने पड़े हैं तो बर्गर बना लेते हैं, तो मैंने जो है वो उनको फ्राई किया है और बर्गर क्योंकि अवेलेबल थे घर में ही पड़े थे तो बस उन पे केचप, मायोनीज़ रखी है, अनियन रिंग्स रखे हैं और बर्गर बना के हमने बस ये रात को डिनर में एंजॉय किया था। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। सुबह नाश्ते में मैंने सिंपल सा अंडा पराठा बनाया है और अपने लिए मैंने ब्राउन ब्रेड का स्लाइस लिया था। ये मल्टी ग्रेन ब्रेड है और पाकिस्तान में आके जो है वो मैंने फ़र्स्ट टाइम ली थी। इसका टेस्ट मुझे बहुत मज़े का लगा है। इसको मैंने थोड़ा सा ऑमलेट लगा के थोड़ा सा एग लगा के जो है वो फ्राई कर लिया था तो ये ऑमलेट वाली ब्रेड बन गई है। नाश्ते के बाद जो है वो थोड़े से काम निपटाए हैं और उसके बाद शाम को फ्री होकर जब टीवी ऑन किया तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा था। वैसे तो मैं क्रिकेट मैच देखने की बिल्कुल भी शौकीन नहीं हूँ, बस जस्ट इंडिया और पाकिस्तान का मैच कभी कभी देख लेते हैं। ये भी मैंने लास्ट वाले ओवर्स देखे थे जस्ट और उसके बाद बस टीवी ऑफ कर दिया था। हम लोग शाम को मार्केट गए हैं, वहाँ पर जी अनाबिया ने ली है किटकैट चॉकलेट। उसके बाद हम लोग अपने ब्रदर इन लॉ की तरफ आ गए थे और ये उनका जो है वो सिटिंग एरिया है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा सेट हुआ हुआ है। और आज का व्लॉग जो है वो यहीं तक एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।